हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो गाइस, आज मैं जा रहा हूँ DLF मॉल नोएडा और आज करने वाला हूँ ढेर सारी शॉपिंग। और गाइस, मैं शेयर करने वाला हूँ आपके साथ वो ब्रांड्स जो मैं परचेस करने वाला हूँ। तो गाइस, वीडियो को ज़्यादा बड़ा ना करते हुए मिलते हैं आपसे DLF मॉल में। तो गाइस, वेट एंड वॉच, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। तो गाइस, फाइनली पहुंच गए हम लोग DLF मॉल नोएडा। ये आप देख रहे हैं मॉल ऑफ इंडिया। और गाइस, ये है DLF मॉल का ईस्ट गेट। ये आप देखेंगे एंट्रेंस गेट है, ये इसको ईस्ट गेट बोलते हैं। और जल्दी से हम आपको बाहर का व्यू दिखाते हुए ले चलते हैं अंदर और दिखाते हैं आपको मॉल की। मॉल कितना खूबसूरत मॉल है, ये काफ़ी फेमस है और काफ़ी खूबसूरत बनाया है। काफ़ी इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं यहाँ पे। तो गाइस, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए बाहर हम लोग चलते हैं अंदर। आइए, देख मिलता हूँ मैं आपसे अंदर। तो गाइस, हम आ गए हैं DLF मॉल और आज मैं दिखाता हूँ आपको कि हम क्या क्या परचेस करने वाले हैं। ये आप मेरे पीछे देख रहे हैं, वाओ ब्यूटीफुल। तो गाइस, लीजिए फाइनली पहुंच गए हम लोग DLF मॉल के H&M शोरूम में और चलते हैं अंदर, देखते हैं हम लोग अपने लिए क्या हमें पसंद आता है, क्या हम लोग ले पाते हैं। तब तक आइए, मैं मिलता हूं आपसे अंदर स्टोर में। गाइस, आ गए हम H&M, देखते हैं क्या मिलता है यहां पर मेरे लिए स्पेशल। और दिखाती, अरे ये तो ये है गर्ल्स वेयर। अभी चलते हैं हम लोग जेंट्स वेयर में। तो गाइस, फाइनली मुझे लग रहा है कि मुझे शूज़ मिल चुके हैं, बिकॉज़ ये वाइट कलर के शूज़ हैं और वाइट कलर के शूज़ मुझे कुछ दिन से मैं एक्चुअली लेना भी चाह रहा था। और कुछ दिन पहले ही मैंने गाइस ऑनलाइन भी ऑर्डर किए थे और बट वो शूज़ मुझे इतने कंफर्ट हुए नहीं। प्यूमा के शूज़ मैंने मंगवाए थे भी ऑनलाइन बट वो मुझे इतने कम्फर्ट लगे नहीं, तो इसलिए वो शूज़ मैंने रिटर्न कर दिए गाइस। सो अभी ये शूज़ मैं देख रहा हूँ मुझे काफ़ी ठीक लग रहे हैं बट ये शूज़ थोड़ा टाइट है, तो एक बार मैं चलकर मैं एक बार ट्राई करूँगा दोनों शूज़ पहनकर, ताकि मैं देख सकूँ कि ये मुझे कम्फर्ट लग रहे हैं। अदरवाइज मैं दूसरे शूज़ ट्राई करूँगा, मतलब सिक्स से बड़ा एक बड़ा नंबर गाइस। यहाँ पे एक्चुअली क्या है कि ये जैसे कि आप सभी लोग जानते ही होंगे कि इंडिया के बेस्ट जितने भी जो बड़े मॉल हैं उनमें से DLF भी एक मॉल माना जाता है, कि DLF मॉल भी काफ़ी बिग मॉल में एक शुमार है ये। तो गाइज, यहाँ पे क्या है कि ऑल ओवर इंटरनेशनल ब्रांड्स के स्टोर्स हैं यहाँ पर, तो आपको वैरायटी बहुत ज़्यादा मिल जाती है यहाँ पर। हाँ, हम लोगों को थोड़े एक्स्ट्रा पैसे ज़रूर खर्च करने पड़ते हैं, लेकिन गाइज
उसके बदले हम लोगों को क्या है कि हमारे चॉइस का सामान बहुत इजीली मिल जाता है हम लोगों को। और यहाँ पे क्या है, स्टोर में जाने का एक बेनिफिट ये भी है गाइस कि आप लोगों को रिटर्न का ऑप्शन टेंशन नहीं होता, बिकॉज आप वहाँ जाके एक बार में फाइनल कर लेते हो, क्योंकि आपको वहाँ पर ट्राई करने के ऑप्शन मिल जाता है और आप लोग काफ़ी बार उस चीज़ को ट्राई कर सकते हो। बट ऑनलाइन में अक्सर ये साइज़ का इशू आता है, मुझे भी अक्सर बहुत ज़्यादा इशू आता है साइज़ का। मैं भी कई बार जब भी ऑनलाइन ऑर्डर करता हूँ तो कई बार, मतलब पहले भी मैंने जब ऑर्डर किया था तो मुझे 2-3 बार शूज़ का साइज़ का इशू हुआ था। वो मैंने वही एक्चुअली 15 days 1 week, तो बहुत टाइम वेस्ट होता है। तो गाइस अभी वो नंबर जो मैंने पहले ट्राई किया था वो 7 नंबर था और वो बहुत बड़ा टाइट था मेरे लिए। बट ये शूज़ इसलिए मैंने एक नंबर ज़्यादा अभी मैं ट्राई कर रहा हूँ और ये मुझे थोड़ा बेटर लग रहा है, उससे कंफर्ट लग रहा है। फिर मैं दूसरा साइज़ भी मैं पहन लेता हूँ और देखता हूँ कि दोनों मुझे कैसे लग रहे हैं पहनने के बाद, क्या मुझे वो कम्फर्ट हो पा रहे हैं। तो गाइस मुझे लगता है कि मैं ये शूज़ ले लूँगा, बिकॉज मुझे बहुत ही कम्फर्ट लग रहे हैं ये दोनों। ये हाँ, काफ़ी ठीक लग रहे हैं ये शूज़ मुझे और कम्फर्ट भी लग रहे हैं, और मैं काफ़ी टाइम से मुझे वाइट शूज़ लेने भी थे, तो गाइस फाइनली मैं ये ले लेता हूँ। तो गाइस फाइनली वाइट शूज़ तो मैंने ले लिए हैं और अब मैं देख रहा हूँ अपने लिए कोई जींस और देखता हूँ कि मुझे कैसी जींस पसंद आती है, क्योंकि शॉपिंग बहुत सारी करनी है। बट क्या है कि यहाँ पे ज़्यादातर लोगों ने विंटर्स का कलेक्शन जो है स्टोर कर रखा है, क्योंकि विंटर्स का टाइम आ गया है अब, तो ज़्यादातर विंटर्स का ही कलेक्शन उन्होंने स्टोर कर रखा है ये। बाकी मैं देखता हूँ गाइस और बताता हूँ आप लोगों को कि शूज़ ऑलमोस्ट मैं ले चुका हूँ, सिर्फ बिलिंग कराना बाकी है। अब मैं देखूँगा अपने लिए एक जींस देख लेता हूँ एंड उसके बाद मुझे शर्ट भी लेनी है। तो गाइस मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा था आपसे कि देखिए यहाँ पे वैरायटी बहुत ज़्यादा है, हम लोगों को ईज़िली बहुत अच्छी वैरायटी मिल जाती है और बहुत अच्छे शूज़ डिज़ाइनिंग, कपड़े डिज़ाइनिंग, काफ़ी अच्छी सारी चीज़ें हैं मिल जाती हैं हम लोगों को और ईज़िली मिल जाती हैं, हम लोगों को ज़्यादा घूमना नहीं पड़ता। तो गाइस मेरा मानना ये है कि देखिए इंसान जो कमाता है वो अच्छा खाने के लिए और अच्छा पहनने के लिए ही कमाता है। अगर आप अच्छा खाएंगे नहीं, अच्छा पहनेंगे नहीं, तो हमारे कमाने का क्या फ़ायदा। सेविंग करना बहुत ज़रूरी है गाइस, लेकिन खुद के ऊपर इन्वेस्ट करना भी बहुत ज़रूरी है। हमारे इंडिया में ज़्यादातर यही प्रॉब्लम है कि लोग खुद पर इन्वेस्ट नहीं करते, अक्सर खाने पीने में कंजूसी कर लेते हैं या पहनने में कंजूसी कर लेते हैं, जो कि हम लोगों को गाइस ऐसी कंजूसी नहीं करनी चाहिए। मेरा मानना है कि देखिए खुद से प्यार कीजिए, जो इंसान खुद से प्यार करता है दुनिया उससे प्यार करती है। लव योर सेल्फ गाइस, ये मेरा स्लोगन है और मैं इसी को फॉलो करता हूँ कि हमेशा खुद से प्यार कीजिए, खुद की इज्जत कीजिए। अगर आप खुद की रिस्पेक्ट नहीं कर सकते तो लोग भी आपकी क्या ही रिस्पेक्ट करेंगे गाइस। तो गाइस कभी भी खुद के साथ कोई कंप्रोमाइज़ कभी मत कीजिएगा लाइफ में, और गाइस हमेशा जो आपका दिल करता है, जो आपका मन करता है, उस काम को आप ज़रूर करिए। बेशक देखिए काम का होना ना होना या उस काम का बनना ना बनना ये तो बाद की बात है, लेकिन आप कोशिश भी ना करें तो ये तो गलत बात है ना गाइस। तो इसलिए गाइस जो आपका दिल करता है वो काम आप ज़रूर करिए, मेरा मानना तो यही है गाइस। काफ़ी अच्छा है यहाँ पे। तो गाइस फाइनली मैं ले चुका हूँ और मैंने जीन्स और एक शूज़ परचेज किए हैं गाइस। बाकी शॉपिंग करेंगे हम लोग आफ्टर लंच, बिकॉज भूख लग रही है। अभी हम लोग चलते हैं फूड कोर्ट में। तो गाइस ये आ गए हम लोग फूड कोर्ट में, पहले कुछ खा लेते हैं, पेट पूजा कर लेते हैं एंड उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट लेंगे और फिर हम लोग वापस चलेंगे ज़ारा शोरूम में और ज़ारा स्टोर में देखेंगे हम लोग अपने, देखते हैं कि शर्ट्स के वहाँ पे क्या वैराइटीज़ हैं। तो गाइस ये है फूड कोर्ट और फूड कोर्ट में गाइस वैरायटी ऑसम है गाइस, ऑसम। बिकॉज मेरा यहाँ पे जब भी आया हूँ मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है यहाँ पे। एक्चुअली इस पूरे मॉल का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। और गाइस ये मैं जब तक हमारा ऑर्डर आता तब तक मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने क्या परचेस किया है। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ मेरा लैपटॉप। तो गाइस ये है मेरा लैपटॉप, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये गाइस मैं डेल का लैपटॉप लिया है मैंने। हाँ तो ये मेरा डेल का लैपटॉप है गाइस और ये मुझे काफ़ी क्या बोलते हैं सही लगा, सो मैंने ये ले लिया। और गाइस ये मैं वापस रख देता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ अब जो हम लोगों ने H&M शोरूम से परचेस किया है, मैंने वहाँ से एक शूज़ लिया है फ़िलहाल और एक जींस बाय की है। ये है मेरे वाइट शूज़ जैसे कि मैंने आपको वीडियो में पहले दिखाए थे। गाइस आप ज़रूर बताइएगा मेरे शूज़ के बारे में कमेंट करके कि ये शूज़ आपको कैसे लगे।
और गाइस ये है ब्लू जींस जो मैंने वहाँ से परचेस की है। तो गाइस अभी भूख लग रही थी हम लोगों को, तो हम लोग स्टोर मिंटू से फूड कोर्ट में आ गए हैं एंड उसके बाद फिर दोबारा चलेंगे। तो गाइस फाइनली आ चुका है हमारा खाना और हम लोगों ने ऑर्डर किया है एक स्पेशल थाली और प्लस एक छोले भटूरे। तो गाइस स्पेशल थाली में है आप देखेंगे ये बूंदी रायता है, ये कोल्ड ड्रिंक एंड स्वीट्स है, लच्छा पराठा है, एक लच्छा पराठा है इसमें और प्लस पनीर टिक्का है, सोयाबीन चाप है, ये मिक्स वेज है और इसके साथ में दाल मखनी, साथ में है शाही पनीर एंड राइस भी है। और गाइस देखने में तो काफ़ी अच्छा लग रहा है और ये हमारे छोले भटूरे हैं, ये छोले भटूरे भी काफ़ी अच्छे लग रहे हैं देखने में। तो गाइस खाना खाते हैं और मिलते हैं आपसे फिर आफ्टर खाना खाने के बाद चलते हैं ज़ारा के शोरूम में और वहाँ से लेंगे हम लोग शर्ट्स लेंगे और देखते हैं वहाँ पर शर्ट्स की वैरायटी कैसी है। तो गाइस फाइनली लंच हम लोग कर चुके हैं और बहुत ही टेस्टी खाना था, काफ़ी मज़ा आया। तो गाइस अब हम लोग चल रहे हैं अपने नेक्स्ट स्टोर में क्योंकि मुझे गाइस मैं शूज़ जीन्स परचेस कर चुका हूँ और अब मुझे एक शर्ट लेनी है। तो गाइस अब हम लोग जा रहे हैं ज़ारा के स्टोर में और वहाँ चल के देखते हैं कि वहाँ पर वैरायटी किस तरह की है, कैसी वैरायटी है। तो गाइस चलिए मिलता हूँ मैं आपसे ज़ारा के स्टोर में। ज़ारा स्टोर और देखते हैं अब शर्ट्स की, यहाँ पे शर्ट्स की वैरायटी हमें कैसी मिलती है। ये है गाइस ग्राउंड फ्लोर और ये है आपका गर्ल्स वेयर, काफ़ी खूबसूरत खूबसूरत कपड़े हैं यहाँ पे गर्ल्स के लिए। यहाँ पे काफ़ी अच्छी वैरायटी मिल जाती है उन्हें, अगर वो यहाँ पे आएंगे तो निराश होकर नहीं जाएंगे बिकॉज यहाँ पे बहुत ज़्यादा वैरायटी है गर्ल्स की। और तो गाइस मैं देख रहा हूँ अपने लिए शर्ट, ये शर्ट्स यहाँ लगी हुई हैं बड़ी गाइस, ये मुझे लगता है ये विंडर्स की शर्ट्स हैं
और विंटर की शर्ट मुझे भी ऐसा कुछ लेना नहीं है, तो मैं देखता हूँ अदर कुछ और देखता हूँ मैं कुछ मिलता है मुझे। ये साइड में लगे हुए हैं कार्गो पेंट्स, कार्गो पेंट भी मुझे नहीं लेनी है। ये आपका जैकेट्स है, शर्ट तो गाइस मुझे कुछ खास दिख नहीं रही है यहाँ पे। ये सामने वाइट शूज़ लगे हैं, वाइट शूज़ तो मैं ऑलरेडी ले चुका हूँ, बट ये भी थोड़े डिफरेंट हैं और काफ़ी अच्छे लग रहे हैं मुझे देखने में। इनका सोल थोड़ा डिफरेंट है और काफ़ी अच्छे शूज़ लग रहे हैं मुझे ये, बट गाइस मुझे शूज़ नहीं लेने क्योंकि ऑलरेडी मैं ले चुका हूँ शूज़ तो। और ये 3000 रुपये के काफ़ी अच्छे शूज़ हैं, अगर आपको लेने हैं तो आप यहाँ से आके परचेस कर सकते हैं या ऑनलाइन भी आप HM ज़ारा से आप ले सकते हैं, HM के ज़ारा के शूज़ आप ले सकते हैं। तो गाइस शर्ट तो मुझे यहाँ शायद मिल नहीं पा रही है, तो चले हम चलते हैं किसी और स्टोर में, वहाँ देखते हैं। तो लो गाइस मैं आ चुका हूँ ज़ारा में, तो मुझे कुछ मिला नहीं अपने लिए, कुछ शर्ट मिली नहीं क्योंकि वहाँ पे विंटर्स का ज़्यादा स्टोर लगा रखा था उन लोगों ने। तो गाइस अब मैं आ चुका हूँ यूनिक्लो में और मैं देखता हूँ यहाँ पे कि यहाँ मुझे कुछ मिल पाता है नहीं। तो यहाँ मैं अपने लिए शर्ट्स देख रहा हूँ गाइस कि शर्ट्स मुझे यहाँ मिल जाती है तो बेटर है, अदरवाइज फिर देखते हैं क्या हो सकता है। क्योंकि ज़्यादा अगर विंटर्स आने वाले हैं तो गाइस विंटर का स्टोर ज़्यादा आ गया है मार्केट में और ज़्यादा सबका सब विंटर का ही कपड़े आ चुके हैं मार्केट में, तो विंटर्स का ही लगा रखा है। तो गाइस ये मैं देखता हूँ यहाँ पे शर्ट्स तो दिख रही हैं और काफ़ी अच्छी अच्छी शर्ट्स हैं, बट गाइस इनका एक प्रॉब्लम मुझे लग रहा है कि क्योंकि ये सब शर्ट्स पैक हैं तो गाइस इनको ओपन नहीं करने दिया जा सकता, कि ओपन करके आप नहीं दे सकते क्योंकि ये पैक शर्ट्स हैं तो आप इनको ओपन नहीं कर सकते, आपको ऐसे ही देखना पड़ेगा और ऐसे ही बाय करना पड़ेगा। तो गाइस यहाँ पर एक माइनस पॉइंट ये रहेगा कि हम लोग साइज ट्राई नहीं कर सकते क्योंकि कुछ सैंपल के तौर पे कुछ शर्ट्स इन्होंने निकाल के रखी हुई हैं बाहर, बट वो कुछ ही हैं। लेकिन जो मान लीजिए आपको कोई जैसे ये शर्ट जो लगी है यहाँ पे चेक में, बहुत ही प्यारी शर्ट है बट इसका सैंपल नहीं है, तो मैं इसको ट्राई नहीं कर सकता कि मुझे पता नहीं चलेगा कि ये मेरी फिटिंग में कैसी मुझे फिट रहेगी या नहीं रहेगी, कम्फर्ट रहेगी या नहीं रहेगी। ये शर्ट बहुत ही प्यारी है बट गाइस शर्ट तो इनकी बहुत ही अच्छी लगी मुझे, और बट इनका एक माइनस पॉइंट यही रहा कि यार सैंपल नहीं दिखे मुझे कि हम जो आप ट्राई कर सकें। तो गाइस यहाँ भी मुझे लगता है कि शायद मुझे शर्ट नहीं मिल पाएगी। तो गाइस कोई बात नहीं, बट आपके लिए मैं इतना बताना चाहूँगा कि गाइस यहाँ पर आप लोग कभी भी यहाँ पे आएंगे तो आप निराश होकर नहीं जाएंगे, क्योंकि गाइस यहाँ पे अनलिमिटेड वैरायटीज़ हैं, अनलिमिटेड स्टोर्स हैं और अनलिमिटेड इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं यहाँ पे। आप यहाँ पे ज़रूर आइए और गाइस यहाँ से शॉपिंग ज़रूर कीजिए क्योंकि आपको बहुत मज़ा आने वाला है यहाँ पर। तो गाइज फाइनली DLF का टूर हुआ डन, शॉपिंग भी होगी कंप्लीट। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर दोस्तों।